अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो आज फिर से हम केकेज की तरफ जा रहे हैं। आप लोग को मैंने पहले भी बताया था, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमने केकेज जाना पड़ता है। और वैसे भी अभी ग्रास कटिंग का सीज़न है, तो हमने पेट्रोल लेना है और ये कुछ ये ख़राब हो गए हैं तो इनको भी सही करवाना है। फ्लैट भी लेना है, मैं और शिराज भाई जाएंगे। तो चले बाइक पे निकले क्योंकि रास्ते कुछ ज़्यादा ख़राब है, तो गाड़ी निकाल नहीं सकते थे। आप लोग रास्ता देख सकते हैं, बिल्कुल ही कच्चा रास्ता है, पत्थर ही पत्थर है। तो सोचा भाई हम बाइक पे निकलते हैं आज। गर्मी लगी थी तो कुछ ठंडा पिया हमने। फिर से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। अभी तक केकेज पहुँचे नहीं है, अभी खानाबाद में है। ब्रश कटर ब्लेड ले लिया हमने, दो लिए हैं, एक शिराज भाई के लिए और एक मैंने अपने लिए लिया है। तो आप यहाँ से ये परचेस कर सकते हैं, गुलमेट का मेन बाज़ार है। बहुत ट्राई किया, कहीं नहीं मिला। कह रहे हैं हंजा मार्केट या गिलगित में भी मिल सकता है, यहाँ पे मिलना मुश्किल है। तो शिराज भाई ने दाढ़ी बनवाई, फेशियल करवाया और इनको फेशियल नहीं करवाया, सिर्फ दाढ़ी बनाया भाई। नहीं वो फेशियल पे थोड़ी आता है, अब जो भी तला। मगर मुझे ये चीजें जरा भी नहीं पसंद, ना मैं कटवाता हूँ बियर्ड और ना मैं सेटिंग करवाता हूँ, जो भी करता हूँ खुद करता हूँ और नए शॉप के चक्कर में नहीं करता। हमारा आधा काम हो गया, आधा रहता है गुलमत में। तो वो नहीं मिला जो हमें चाहिए था, वो जो बन जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे वो यहाँ मोची के पास भी नहीं थे। अब खोल जाते हैं, खोल में देखते हैं मिलता नहीं मिलता। अगर ना मिला तो मोची से कोशिश करेंगे कि मोची से बनवा लें मैनुअली। यहाँ से भी वापस जा रहे हैं, यहाँ पे भी एक शॉप थी, कह रहे कि वो बंद, पता नहीं बंदा कब आएगा, दो दिन से खोला नहीं है शॉप, तो वापस जाना पड़ेगा। तो चले जी हम जा रहे हैं वापस। कुछ काम कंप्लीट हुए, कुछ नहीं हुए। अब जो बंद हमें चाहिए था मशीन के लिए वो नहीं मिला, और जो पुराना है उसी से हम गुजारा कर लेंगे, मैं और शिराज भाई। अब जैसे यहाँ से वहाँ विलेज पहुँचेंगे तो सीधा हम जाएंगे टुबियाल मशीन लेके। आज शुरुआत करते हैं ग्रास कटिंग की। तो चले जी पहुँच के बात करते हैं। घर पहुँच गए, अभी बाइक से पेट्रोल निकालेंगे और टुबियाल जाएंगे सीधा नीचे। ये देखें, ये पुरानी ब्लेड जो थी टोटली ख़त्म हो गई है, और ये रहा मशीन। हम निकल चुके हैं, तो गाइस हम निकल चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पीछे शिराज भाई और मैं मशीन के साथ। तो ये हमारे डुमियाल का रास्ता, ये हमारा एप्पल का दरख्त है, और यहाँ से ऐसे तोड़ के हम खाते हैं। यम्मी, पेट्रोल पानी पानी।
लेस दिस शट। शिराज भाई बड़े जोश में आए, जोशो खरोश में आए ग्रास कटिंग करने के लिए। शिराज भाई थोड़े अनाड़ी लग रहे हैं भाई, से स्पेशली ग्रास काटने के लिए शिराज भाई आए हैं। ये देखें मेरी हालत, विलेज में सब कुछ करना पड़ता है, हम खुद ही करते हैं, ग्रास वगैरह काटते हैं, खुद ही करना चाहिए, बंदा फिट भी रहता है। मैं थोड़ा सा हेल्दी भी हो गया हूँ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कराची जाने से पहले मैं फिट जरूर होऊंगा। चलो खाना खाते हैं। खाला हमारे लिए खाने लेके आई है, तो भूख लगी थी तो अभी खाने लगे हैं। बैठ के खाओ तो कैसा लगता है भाई? बहुत अच्छा लगता है। जो बात है बात। हमने आज स्टार्ट किया ग्रास काटना और हमें मिनिमम 3 से 4 दिन लगेंगे, ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना सकते क्योंकि काम के साथ वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह की वीडियोस व्लॉग्स बनाता रहूँगा। और अगर व्लॉग पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यार, आप लोग करते नहीं हो, देखते हो वीडियोस मगर सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, क्या करो यार, क्या करो, क्या करो। ओके बाय बाय।